हेलो एवरीवन टुडे इन दिस वीडियो नाउ वी डिस्कस अबाउट दैट फंक्शन ऑफ क्लास एम हम चैप्टर कर रहे हैं एट्थ कर इन स्पेस इससे पहले हमने अपने चैप्टर में क्या किया है यूनिट वेक्टर अलोंग दी टेजेंट टू अ गिवन कर्व हमने यूनिट वेक्टर निकाले हैं लेंथ ऑफ आर्क निकाली है टेजेंट लाइन एट अ पॉइंट ऑफ स्पेस ऑफ कर्व पे निकाले है फिर हमने कार्टिजन पॉइंट निकाले थे टेजेंट लाइन इक्वेशन पे उसके बाद हमने क्या किया था हमारे पास एक फंक्शन एफ था एफ वन था और एक फंक्शन एफ टू था जिसको हमारे पास जिसका हमने इक्वेशन ऑफ टेजेंट लाइन निकाला था टू अ कर्व ऑफ इंटरसेक्शन पे नाउ अब हम क्या करते हैं फंक्शन ऑफ क्लास एम अब हम क्लास एम फंक्शन डिफाइन देखते हैं क्या होता है डेफिनेशन रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल आई जब हमारे पास कोई रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड इंटरवल आई पे हो इज सेट टू बी एंड उसकी क्लास क्या हो एम इज ग्रेटर देन वन इफ़ इट इज हैज कंटीन्यूअस डेरीवेटिव ऑफ एम एथ ऑर्डर एट एवरी पॉइंट ऑफ आई हमारा कोई फंक्शन है आई मतलब आई इंटरवल पर हमारा फंक्शन कंटीन्यूस डेरीवेटिव हो देन हमारा क्या हो जाएगा क्लास एम हो जाएगी उसको हम सी एम फंक्शन बोलते हैं इफ़ एफ इज डिफ्रेंशिएबल इन फाइनइट नंबर जब हमारा एफ फंक्शन जो है इनफाइनाइट टाइम ऑफ डिफ्रेंशिएबल होता है देन हमारे पास फंक्शन क्या हो जाता है इनफाइनाइट फॉर क्लास एम फंक्शन सी इन्फिनिटी फंक्शन उसके बाद हम क्या करते हैं ओस्क्यूलेटिंग प्लेन ओस्क्यूलेटिंग प्लेन क्या होता है डेफिनेशन देखते हैं ओस्क्यूलेटिंग प्लेन की दी ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन एट अ पॉइंट पी जब हमारा कोई पॉइंट जब हमारी कोई कर्व पे पॉइंट पी है और वो ओस्क्युलेटिंग प्लेन पे है देन हमारी जो क्लास बनेगी वो इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू होगी इज द लिमिटिंग पोजिशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन द टेजेंट लाइन पी एंड ए नेबरिंग पॉइंट क्या ऑन दी कर क्या टेन टू पी ये हम देखते हैं नीचे देखते हैं इसको डेरीवेटिव डेरीवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट अ पॉइंट पी ऑफ द कर्व हेयर वी शैल डिराइव द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन इज टर्म ऑफ पैरामीटर एस हमारे पास जो इक्वेशन है ऑस्कुलेटिंग प्लेन की वो हमारे टर्म ऑफ पैरामीटर एस में है लेट सी लेट आर इज इक्वल टू आर क्या है हमारे पास पोजिशन वैक्टर आर वैक्टर इज इक्वल टू पोजिशन वैक्टर का पैरामीटर क्या है एस देन आर वैक्टर इन टू एस बी द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व सी गीवन कर्व क्या है हमारे पास ये एक कर्व है सी ठीक है इस कर्व में फंक्शन क्या है क्लास क्या है हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू टू पे सपोज आर्क लेंथ एस इज द मेजर फ्रोम ऑफ सम फिक्स पॉइंट ए ऑन द कर्व। अब हम देखते हैं सपोज पी एंड क्या हुआ टू नेबरिंग पॉइंट ऑन दी कर्व सी सच डेट हमारे पास ये एक गिवन कर्व है इस कर्व पे हमारे पास दो नेबरिंग पॉइंट है पी एंड क्या पी क्या हमारा क्या है टेजेंट ड्रो होता है ओ पी पे क्या है हमारा पोजिशन वैक्टर बनता है एक पोजि और ओ क्या, क्या है हमारा कौन सा पोजिशन वैक्टर ओ क्या बनता है ये हमारा आर पोजिशन वैक्टर बनता है और एक ये हमने टेजेंट लाइन पे एक पॉइंट ए ले लेते हैं लेट सी आर्क ए पी ए पी पे हमारा क्या है ए पी क्या है हमारा एक एस है एक पॉइंट से पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है एस एंड ए से क्या वो डिस्टेंस क्या है एस प्लस डेल एस पोजिशन वैक्टर ओ पी क्या है आर एस एंड पोजिशन वैक्टर ओ क्या क्या है आर वैक्टर इंटू एस प्लस डेल एस उसके बाद लेट आर कैपिटल आर वैक्टर भी दी पोजिशन वैक्टर ऑफ करंट पॉइंट बी करंट पॉइंट पी का है करंट पॉइंट बी क्या है अ प्लेन कंटेनिंग टैजेंट लाइन पी एंड क्या पी और क्या के टैजेंट लाइन बी पॉइंट बी पॉइंट पे हमारा कौन सपोजिशन वैक्टर बनता है कैपिटल आर दैक्टर पी बी पी बी हमारा टी क्या है टी यूनिट वैक्टर है अलोंग द टैजेंट नाउ पी क्या लाइज इन द्लेन बी पी क्या बी पी क्या हैंस दिस वैक्टर आर कोप देयर दे फॉर दिस देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारी जीरो होती है तो स्केलर प्रोडक्ट हमारी क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पी बी पी बी इंटू टी इंटू पी क्या हो इज इक्वल टू जीरो पी बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास ये देखो पी बी कैसे आएगा हमारा पी बी पी बी आएगा ओ पी माइनस ओ बी अगर हम ओ पी में से ओ बी माइनस करते हैं देन हमारा ओ पी बी पी आ जाता है लेट सी ओ बी में से ओ पी माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है पी बी ओ बी क्या है कैपिटल आर एंड ओ पी क्या है स्मॉल आर पोजिशन वैक्टर एस पैरामीटर पे आर माइनस एस आर एस ये क्या आ गया पी बी नाव अब हमारा क्या है टी यूनिट वैक्टर था यूनिट वैक्टर क्या होता है हमारा आर पोजिशन वैक्टर का डिफ्रेंशिएट आर वेक्टर का डिफ्रेंशिएट ऑफ एस पी क्या पी क्या क्या है हमारे पास ये है पी क्या हो पी क्या हो निकालेंगे कैसे आएगा ओ क्या माइनस ओ पी ओ क्या हुँ? क्या है आर प्लस डेल एस माइनस ओ पी क्या है आर एस माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा डेल एस अब हम क्या करते हैं हम पी बी की वैल्यू ये सारी वैल्यू या पुट कर देते हैं पी बी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास दिस आर वैक्टर माइनस आर वैक्टर एस टी की वैल्यू क्या है आर वैक्टर का डिफ्रेंशिएट ऑफ एस इंटू पी क्या हो क्या है हमारे पास आर वैक्टर इंटू एस प्लस डेल एस माइनस आर वैक्टर एस कर दी वैल्यू इज इक्वल टू जीरो आर प्लस डेल एस इज इक्वल टू इसको अगर हम डिफाइन करते आगे तो क्या इस ये टेलर फॉर्म ओपन हो जाती है हमारी आर वैक्टर एस प्लस डेल एस आर वैक्टर का डिफरेंशिएट ऑफ एस प्लस डेल एस का स्क्वेयर बाई टू फैक्टोरियल आर वैक्टर का डिफरेंशिएट डबल डिफरेंशिएट ऑफ एस प्लस ओ अप टू सोन तक जाएगी ये हमारे पास क्या हो जाती है टेलर थ्योरम ओ डेल एस क्यूब इम्प्लाइज सम ऑफ टर्म हैविंग पावर ऑफ डेल एस थ्री और मोर डेल एस ओ जो है हमारा ये डेल एस की मोर पावर थ्री और मोर पावर को इम्प्लाइज कर रहा है ठीक है नाउ आर वेक्टर इनटू एस प्लस डेल एस माइनस आर वैक्टर इंटू एस इज इक्वल टू इसको हम क्या लिख सकते हैं जब हम आर वेक्टर इनटू एस प्लस डेल एस में से माइनस आर डे एस माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या है? टर्म बनती है ये टर्म बनती है यूजिंग दिस इक्वेशन सेकंड वी हैव इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास ये है इसमें इक्वेशन सेकंड में हम वैल्यू पुट कर देंगे अब वैल्यू पुट कर देते हैं ये वैल्यू पुट कर देते हैं वैल्यू पुट करके उस इक्वेशन को सोल्व करते हैं सोल्व करके हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी दिस के इक्वल आ जाएगी ये देखो आर माइनस आर एस डॉट आर डैश एस इंटू में ये टर्म कहाँ से आई ये देखो पहले ये यहाँ से आई आर प्लस डेल एस की वैल्यू यहाँ ये रख दी हमने माइनस आर एस की वैल्यू रख दी हमने यहाँ से ये वैल्यू पुट करने के बाद क्या होता है हमारा उसको सोल्व कर देते हैं ये देखो ये वैल्यू पुट कर दी वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करते हैं आर वेक्टर माइनस स्मॉल आर एस डोट आर वेक्टर डैश एस इंटू डेल आर डैश एस प्लस ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म इक्वल टू जीरो आर वेक्टर डैश एस क्या है इन आर वेक्टर डैश एस से अगर मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनता है हमारा जीरो टर्म बन जाती है ठीक है इस वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं दिस इंटू इसको क्या लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू जीरो प्रोसीडिंग टू लिमिट क्या टू पी है हमारी डेल एस टैंड कर रहा है जीरो को लिमिटिंग पोजिशन प्लेन फंक्शन क्या बन जाएगा सिर्फ ये फंक्शन बन जाएगा आर कैपिटल आर वैक्टर माइनस स्मॉल आर वैक्टर एस इंटू आर वैक्टर इनटू आर डबल डिफरेंशियल इंटू एस इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन थर्ड प्रोवाइड द वेक्टर आर वेक्टर डैश एस एंड आर वेक्टर डबल डैश एस आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट नाउ इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन अब हम क्या करते हैं आर वेक्टर माइनस आर एस इंटू आर वेक्टर का डिफरेंशिएट एस एंड आर वेक्टर का डबल डिफरेंशिएट एस इज इक्वल टू जीरो हमारे पास क्या आ जाता है इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन आ जाती है हमारे पास ठीक है अब हम क्या करते हैं अल्टरनेटिव डेफिनेशन है ये हमारी ऑस्कुलेटिंग प्लेन की ये हमें करने की नीड नहीं है ठीक है? अब हम करते हैं कार्टिजन फॉर्म ऑफ द ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होता है हमारे पास लेट कैपिटल एक्स वाई जेड बी कोऑर्डिनेट ऑफ करंट पॉइंट ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी ऑफ एक्स एस वाई एस एंड जेड एस देन कैपिटल आर वैक्टर माइनस स्मॉल आर वैक्टर एस इज इक्वल टू क्या है हमारे पास कैपिटल एक्स माइनस एक्स एस आई कैप प्लस कैपिटल वाई माइनस वाई एस जे कैप प्लस कैपिटल जेड माइनस जेड एस के कैप इसको आर वैक्टर डैश एस क्या है हमारे पास डी एक्स बाई डी एस आई कैप प्लस डी वाई बाई डी एस जे कैप प्लस डी जेड बाई डी एस के कैप आर वैक्टर डैश एस को क्या लिख सकते हैं अब हम इसको एक्स डैश एस आई कैप प्लस वाई डैश एस जे कैप प्लस जेड डैश एस के कैप इसका डबल डिफ्रेंशिएट कर देंगे क्या हो जाएगा एक्स डबल डैश एस आई कैप प्लस वाई डबल डैश एस जे कैप प्लस जेड डबल डैश एस के कैप अब हम क्या करेंगे इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होती है ये होती है कैपिटल आर वेक्टर माइनस स्मॉल आर वेक्टर इंटू एस आर वैक्टर डैश आर वेक्टर डबल डैश एस इज इक्वल टू ज़ीरो होती है अब हम इक्वेशन क्या बन जाएगी कैपिटल एक्स माइनस एक्स एस वाई माइनस वाई एस जेड माइनस जेड एस एक्स डैश एस एक्स डबल डैश एस वाई डैश एस वाई डबल डैश एस जेड डैश एस जेड डबल डैश एस इज इक्वल टू जीरो इन केस कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एट पॉइंट पी पे है आर फंक्शन क्या है पैरामीटर टी का फंक्शन अब हम फंक्शन टी में लिखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी कैपिटल आर वेक्टर क्या हो जाएगा कैपिटल एक्स आई कैप कैपिटल वाई जे कैप प्लस कैपिटल जेड के कैप स्मॉल आर वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स ऑफ टी आई कैप प्लस वाई ऑफ टी जे कैप प्लस जेड ऑफ टी के कैप उसका डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स डॉट टी आई कैप प्लस वाई डॉट टी जे कैप प्लस जेड डॉट टी के कैप उसका डबल डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा एक्स डबल डॉट टी आई कैप प्लस वाई डबल टी वो वाई डबल डोट टी जे कैप प्लस जेड डबल डॉट टी के कैप ये क्या हो जाएगा दैन इक्वेशन ऑफ फोर्क्यूलेटिंग प्लेन इज दिस आ जाएगी हमारी इस फंक्शन को हम या ये लिख सकते हैं कैपिटल आर वैक्टर माइनस आर वैक्टर टी आर वैक्टर का डिफ्रेंशिएट ऑफ टी प्लस आर वैक्टर का डबल डिफरेंशिएट ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो इस फंक्शन को क्या रिटर्न कर सकते हैं दिस कैपिटल एक्स माइनस एक्स टी कैपिटल वाई माइनस वाई टी कैपिटल जेड माइनस जेड टी एक्स डोट टी एक्स डबल डोट टी वाई डोट टी वाई डबल डोट टी जेड डोट टी जेड डबल डोट टी इज इक्वल टू जीरो वेयर सिंगल डोट स्टैंड फ्रॉम डेरिवेटिव ये आपको पता ही है कि सिंगल डॉट जो होती है वो हमारी सिंगल डेरिवेटिव को डिफाइन करती है एंड डबल डॉट जो है हमारी वो डबल डॉट डेरीवेटिव हो जाता है ठीक है नाव एनालिटिक फंक्शन क्या होता है अ फंक्शन एफ इज सेट टू बी एनालिटिक ओवर आई इफ इट इज़ अ सिंगल वैल्यू ऑफ द पोजिस कंटीन्यूस डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर एट एवरी पॉइंट ऑफ आई जब हमारे किसी भी आई फंक्शन का डेरिवेटिव जो है कंटिन्यूस होता जाता है एंड सिंगल वैल्यू फंक्शन पे देन हमारा क्या हो जाता है एनालिटिक फंक्शन बन जाता है टू शो डैट इफ अ कर्व इज एनालिटिक हम देखते हैं अब एनालिटिक फंक्शन को अप्लाई कैसे करते हैं देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट अ पॉइंट ऑफ अनलेस द कर्व इज द स्ट्रेट लाइन लेट्स सी देखो आर वेक्टर है बी द पोजिशन वैक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी पे है ऑन दी कर्व इफ टी यूनिट वेक्टर है डिनोट द यूनिट वेक्टर टेंजेंट एट पॉइंट पी दैट वी नो दैट टी कैप क्या होता है हमारे पास डी आर बाई डी एस इज इक्वल टू आर डैश आर वैक्टर डैश इसको हम क्या कर सकते हैं अब इसका मैग्नीट्यूड कर देते हैं मोड ऑफ़ टी कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर डैश वैक्टर का इज इक्वल टू क्या आ जाता है वन के तो आर वैक्टर डैश डॉट आर वैक्टर डैश इज इक्वल टू वन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एस आर वैक्टर का सिंगल डैश डॉट फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड ये आर वैक्टर डबल डैश डॉट आर वैक्टर डैश इज इक्वल टू ज़ीरो इसको हम क्या लिख सकते हैं टू दोनों का टू लिख सकते हैं आर वैक्टर डैश डॉट आर वैक्टर डबल डैश इज इक्वल टू जीरो टू ज़ीरो आ जाएगा ये क्या फंक्शन बन गया आर वैक्टर डैश डॉट आर वैक्टर डबल डैश इज इक्वल टू जीरो इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस अगेन कर देंगे क्या करेंगे फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट आर वेक्टर डैश आर वेक्टर डबल डैश है तो ट्रिपल हो जाएगा प्लस ये डबल का डबल रहेगा इसका फर्स्ट का डबल हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन फर्स्ट पॉइंट पी पे इन्फ्लेक्शन है हमारा देयर फोर आर डबल डैश क्या हो जाएगा जीरो प्लस में उस साइड जाएगा माइनस जीरो आ जाएगा ये इक्वल जीरो के तो आर वेक्टर डैश डॉट आर वेक्टर ट्रिपल डैश इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड आर वेक्टर ट्रिपल डैश नोट इक्वल टू जीरो के देआर फोर आर वेक्टर डैश इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑफ दिस पे डिफ्रेंशिएट अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस आर वैक्टर डैश डॉट आर वैक्टर ट्रिपल डैश का क्या हो जाएगा फोर डैश प्लस आर वैक्टर डबल डिफरेंशिएट डॉट आर वैक्टर ट्रिपल डिफरेंशिएट इक्वल टू जीरो इसमें क्या हो जाएगा ये टर्म हमारी जीरो ये वाले टर्म देखते हैं आर वैक्टर डैश डॉट आर वैक्टर फोर डैश इज इक्वल टू जीरो इज नॉट इक्वल टू फोर देन आर डैश इज नॉट लीनियरली डिपेंडेंट सेम प्रोसेस ऐसे अगेन बाय अगेन चलता रहेगा देन रिपीटिंग दी अब आर्ग्यूमेंट अगेन एंड अगेन वी हैव द रिजल्ट आर वैक्टर डैश डॉट आर वैक्टर एम इज इक्वल टू ज़ीरो वैन जब एम इज़ ग्रेटर देन जीरो वो टू सॉरी वेयर आर एम वैक्टर जो है इज द फर्स्ट नॉन जीरो डेरीवेटिव ऑफ आर वैक्टर एट पॉइंट पी एंड आर वैक्टर डबल डैश इज इक्वल टू आर वैक्टर ट्रिपल डैश अप टू सोन आर वैक्टर एम माइनस वन इज इक्वल टू जीरो दैन वी ऑबटेन आर वैक्टर एस प्लस डेल एस माइनस आर वैक्टर एस इज इक्वल टू इसका फंक्शन क्या बनेगा हमारे पास डेल एस की पावर एम बाई एम फैक्टोरियल इंटू आर वैक्टर एम एस प्लस जीरो वो ओ इंटू डेल एस की पावर एम प्लस वन यूजिंग दिस इक्वेशन सेकेंड सेकेंड इक्वेशन आर्टिकल किस की एट पॉइंट नाइन पॉइंट वन की वी है देखते है देखो ये हमारे पास मेटिंग फंक्शन हमने या किया था ये ये रहा एक मिनट ये या हमने ये किया था ओस्कुलेटिंग फंक्शन ये रहा हमारा ये ओस्कुलेटिंग फंक्शन हमने सेम अप्लाई किया है ये रहा आर वेक्टर एस प्लस डेल एस माइनस आर वेक्टर एस इज इक्वल टू दिस फंक्शन ये हमने सेम अप्लाई किया है इधर ये देखो आर वैक्टर प्लस एस प्लस डेल एस माइनस आर वैक्टर एस इज इक्वल टू दिस यूजिंग दिस इक्वेशन सेकेंड ऑफ आर्टिकल एट पॉइंट नाइन पॉइंट वन वी हैव ये अप्लाई कर दिया आर वैक्टर माइनस आर वैक्टर एस डॉट आर वैक्टर डैश एस इनटू में फंक्शन ये कर दिया एम प्लस वन पावर होगी पे इक्वल टू जीरो के आर वैक्टर माइनस आर वैक्टर डैश सॉरी एस डॉट आर वैक्टर डैश एस इंटू आर की पावर एम एस प्लस ओ डेल एस इज इक्वल टू ज़ीरो प्रोसीडिंग लिमिट क्या है क्या आउट एंड पी डेल एस जीरो इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन की क्या होगी आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर एस डॉट आर वेक्टर डैश इंटू आर वेक्टर एम एस इज इक्वल टू जीरो इफ यदि आर वेक्टर जो है एम इज इक्वल टू ज़ीरो है फॉर ऑल एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देन द कर्व बीइंग एनालिटिक होगी हमारी ये हमारा एनालिटिक फंक्शन था विन कंक्लूड डैट आर वेक्टर डैश इज इक्वल टू टी कैप के इज कॉन्स्टेंट टेंजेंट वेक्टर इज सेम इच पॉइंट ऑफ कर्व एंड हैंस द कर्व ऑफ स्टेट लाइन ये हमारे पास क्या हो गया एनालिटिक फंक्शन हो गया हैंस थैंक यू